सो गाइस यार, कई बंदे क्या बोल रहे थे कि भाई हम बहुत ज़्यादा कैंपिंग करते हैं लेकिन फिर भी हमारी ज़्यादा प्लस नहीं लगती। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इसलिए ज़्यादा प्लस नहीं लगती है आपकी, क्योंकि यार आप सिर्फ कैंपिंग करते हो। ज़्यादा प्लस के लिए आपको किल करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी बहुत ज़्यादा कैंपिंग कर लिया लेकिन मेरे को ज़्यादा प्लस चाहिए, तो मैं किल भी करूँगा। अभी देखना आप, ज़्यादा प्लस के लिए मैं किल करने जा रहा हूँ बाहर। तो ये बंदे ऊपर देखना आप, ये गाइज मेरे हिसाब से अगर आपकी थोड़ी सी प्लस लग रही है तो उसी में खुश रहो। और वैसे भी आपको पता होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो नल खोलने की कोशिश ना करें और कैंपिंग करके ही प्लस लगवाएं, किल के चक्कर में ना पड़ें। सो गाइस यार, नौ बंदों के लिए एक और ट्रिक में लेकर आया हूं। अगर कई बार क्या होता है, हम नेड़ फेंकते हैं तो हम खुद के नेड़ से ही मर जाते हैं। तो यार हम खुद के नेड़ से ना मरे तो हम ऐसा क्या करें, हमें नेड़ नहीं उठाने हैं। सालो खुद के नेड़ से तो मरोगे ही जब नेड़ फेंकना नहीं आता। पहले ट्रेनिंग में जाओ, नेड़ फेंकना सीखो। ऐसे फेंकते नेड़, देखो यहाँ पे नूबड़ो सालो। सो गाइस यार, नू बंदों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। प्रो बंदों के लिए तो सभी बताते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ट्रिक कुछ इस तरह है, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर उतरते हो जहाँ पर चार पांच स्क्वाड भी उतर गए हो और उतरते ही सार आपको फ्लेयर गन मिल जाए, तो भाई उसे नीचे चलाना। क्योंकि गलती से अगर आप फ्लेयर अपने आसमान में चलाई ना, तो ड्रॉप तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उस फ्लेयर के चक्कर में ना आपके शरीर के ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है ना कपड़ों की, वो जरूर उतर जाएगी। मेरे को भी मिली थी एक दिन जॉर्ज पुल में, जोश जोश में वहीं पे चला दी थी सबके सामने, बाकी आप खुद ही देख लो। अकेली लड़की, ये क्या कर रही है यहाँ पर? दूर दूर तो कोई भी नहीं है यार, और ये अकेली है यहाँ पर। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं, सुनसान जगह है और आप यहाँ पर अकेले। आपको पता है अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, और आप तो कुछ ज़्यादा ही खुले हुए हो। मेरा मतलब है, कपड़े भी आपने आधे पहन रखे, मच्छर नहीं खा रहे क्या आपको घास में यहाँ पे? वैसे यार कितनी अजीब बात है ना, आप भी अकेले, मैं भी अकेला, सुनसान जगह। आगे की स्टोरी क्राइम टोन में।